जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। जेएनयू परिसर में रविवार रात को उस वक्त हिंसा भड़क गई थी जब लाठियों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला किया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा था। मामले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड अभिनेताओं स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, मोहम्मद जिशान अयूब एवं तापसी पन्नू और फिल्मकारों अर्पणा सेन एवं हंसल मेहता ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में हिंसा की निंदा की है और दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप करने की अपील की है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, सभी दिल्लीवासियों से महत्वपूर्ण अपील है कि जेएनयू परिसर में कथित रूप से एबीवीपी के नकाबपोश गुंडों के हमले रोकने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस का दबाव बनाने के लिए कृपया बाबा गंगनाथ मार्ग पर जेएनयू परिसर के मुख्य द्वार के बाहर बाहरी संख्या में एकत्र हों। शबाना आजमी ने ट्वीट किया कि क्या ये वाकई हो रहा है, मैं भारत में नहीं हूँ और ये दुःस्वप्न लगता है। जेएनयू में हिंसा होने के बाद 20 छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है, छात्रों एवं शिक्षकों को पीटा गया, ये अत्यंत निंदनीय है, अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी जेएनयू छात्रों से मिलने पहुंची थी और कई बॉलीवुड सेलेब्स ने दीपिका के इस कदम की तारीफ की है और जेएनयू में हुई हिंसा का विरोध किया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.